होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के लीला फ्यूल्स पर खड़े हैं। कल रात को भी हमने यहाँ से एक वीडियो आपको दिखाई थी, 2-3 पेट्रोल पंप पर दिखाया था। कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया। इसका कारण है लोग पैनिक कर गए, यानी जिस तरीके की चर्चा मार्केट में चल रही थी कि पेट्रोल शायद कल रात को 12 बजे के बाद से नहीं मिलेगा, उस चर्चा के बाद से जो मार्केट में हवा चली तो पेट्रोल पंप पर जो व्यक्ति 100 का पेट्रोल डलाता था वो 500 का डलाने लगा, जो 500 का डलाता था वो 1000 का, जो 1000 का डलाता था वो पेट्रोल का टैंक फुल कराने लगा, जिसके चलते डिमांड और स्टॉक में एकदम डिफरेंस आ गया और कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो गया। और जिस तरीके से इस समय वाहन चालकों की हड़ताल है उसको लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि शायद पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोल मिलेगा। ये जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं वो निमाड़ पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कई जिलों के अध्यक्ष हैं, खुद कई पेट्रोल पंप के मालिक हैं। जो चर्चा है उसका असर अभी भी सुबह से ही देखा जा रहा है, सुबह से ही कई पेट्रोल पंप पे लाइन है। इसका रीज़न एक और, अब इसलिए ज़्यादा लाइन दिखाई दे रही है, ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे शहर के पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और इस पेट्रोल पंप पे भरपूर स्टॉक मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इस समय लाइन है लोगों को। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति क्लियर हो रही है लोग अब रूटीन लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म होने के चलते, पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक होने के चलते जो डिमांड है वो कुछ पेट्रोल पंप पे इकट्ठी हो गई है, जिसके चलते इस तरह की भीड़ देखी जा रही है। ये जसवाड़ी रोड का नज़ारा है, मध्य प्रदेश के खंडवा के जसवाड़ी रोड पर लीला फ्यूल्स का नज़ारा है, लेकिन ये स्थिति लगभग प्रदेश भर की है। परंतु आपको बता दें इस समय जो ये पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं उनमें इसके जो ऑनर हैं और कई पेट्रोल पंप के ऑनर हैं श्री नरेड़ी, उनकी बात कल भी हमने आपको सुनाई थी क्योंकि अध्यक्ष हैं, इनको सारी जानकारी रहती है। नरेड़ी साहब 2 मिनट टाइम है आपके पास, आइए ना आप। नरेड़ी साहब, जैसा कि कल भी हमने आपकी बात सुनवाई थी, अभी जो है फिर यहाँ पे भीड़ है, कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया है और लोगों को ये लग रहा है कि शायद पेट्रोल दोबारा मिलने नहीं वाला, अभी कई दिन तक दिक्कत रहनी है, तो एक्चुअल स्टेटस क्या है? खुराना साहब, कल सांसद महोदय ज्ञानेश्वर भाई पाटिल ने कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात की, कलेक्टर सर, एसपी साहब ने एसडीएम सर से बात करके हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन में, कल यहाँ से 12 पुलिस के जवान गए, तहसीलदार साहब गए, नीलेश पांडे जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी थे, बंसल जी, गुप्ता जी, सभी लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ भेजी हैं और 18 टैंकर वहाँ से मांगलिया से डीजल और पेट्रोल लेकर के रवाना हो गए। अच्छा, तो दोपहर यहाँ 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि कल 4 गुना डिमांड बढ़ गई थी, मैंने रोज की अपेक्षा 4 गुना डिमांड बढ़ी हुई थी, इस वजह से प्रोडक्ट कम ज़्यादा हो गया था। बाकी अभी सभी जगह माल मिल जाए, खंडवा ज़िले की जनता को डीजल पेट्रोल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से उन्हें आश्वस्त करते हैं। अच्छा, आप एसोसिएशन के शायद निमाड़ के अध्यक्ष भी हैं? हाँ, मैं निमाड़ और कई पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। आपके तो पेट्रोल पंप पे काफ़ी स्टॉक भी है और कई जहाँ जहाँ स्टॉक है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं, जहाँ स्टॉक नॉर्मल था और एकदम डिमांड ज़्यादा गई वहाँ इसलिए पेट्रोल खत्म हो गया, बाकी वहाँ पर भी पहुँच रहा है, पहुँच रहा है, मतलब दोपहर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। खंडवा जिले के सारे पंप पर माल खूब है, जनता से अपील है कि वो पैनिक ना हो और अफवाहों पर ध्यान ना दें और जितनी आवश्यकता उतना ही पेट्रोल खरीदें। मतलब जैसे लोग भर भर के पेट्रोल ले जा रहे हैं, शायद ये वाली कारण है, कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें पेट्रोल डीजल की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात के लिए हम उन्हें आश्वस्त करते हैं। ये हैं पेट्रोल पंप के मालिक, निमाड़ पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनका आश्वासन है कि खंडवा जिले की जनता, आसपास चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की भरपूर स्टॉक है। स्टॉक के अलावा आपको बता दें कि जो जिन जगह पर पेट्रोल डीजल ज़्यादा डिमांड होने के चलते ख़त्म हो गया, थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी टैंकर पहुँच जाएंगे। स्थानीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने तत्काल इस मामले में प्रशासन को एक्टिव होने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में कई गाड़ियाँ इंदौर से टैंकर के माध्यम से डीजल और पेट्रोल लेकर खंडवा के लिए रवाना हो गई हैं और थोड़ी देर बाद जिन शहर के जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया, स्पेशली पेट्रोल, वहाँ पर भी पेट्रोल उपलब्ध हो जाएगा। और पेट्रोल ख़त्म होने का कारण ये है कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा अचानक आ गई और फिर इसके चलते कुछ जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया और जहाँ जहाँ पेट्रोल मौजूद है वहाँ कुछ इस तरीके से लंबी लाइन लगने लगी है। बहरहाल
ज़्यादातर लोगों को स्थिति क्लियर हो रही है, जैसे जैसे क्लियर हो रही है वो अपने रूटीन लाइफ का पेट्रोल डलाने लगे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से पैनिक की स्थिति थी, लोग घबरा गए थे और जिस तरीके की मार्केट में चर्चा चल गई थी उसको लेकर लोगों ने भर भर के पेट्रोल स्टॉक करके पहले ही अपनी गाड़ियों में रख लिया। होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें।